सबोमला जय जोहार। मैं जिज्ञासा गुप्ता आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है और प्रमोद साहू जी एक ऐसा नाम है जो रंगोली के माध्यम से अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद साहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। प्रमोद साहू जी आप हाइपर रियलिस्टिक रंगोली बनाते हैं, उस पर कुछ बताएं कि इसके क्या है और कैसे बनाई जाती है, कितना टाइम लगता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है इसमें। एक हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि 30 से 60 घंटे लगने हैं। यदि कोई बिगनर है तो कम से कम 100 घंटे लगेंगे उनको एक हाइपरलिज्म के लिए। तो इसे मैं 3 से 4 दिन या 5 दिन में करता हूँ। डेली 10 घंटे, किसी दिन 16 घंटे, कभी कोई दिन ऐसा होता है 24 घंटा काम करना पड़ता है। मैंने एक रंगोली में कंटिन्यू 39 आवर्स कंटिन्यू काम किया था। हाँ, तो बहुत पेशेंस लगता है इसमें। और रंगोली के प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो हाइपरलिज्म करने के पहले हमें कम से कम 200 से 300 घंटे आपको नॉर्मल रंगोली की प्रैक्टिस करनी होगी। 300 घंटे मान के चलिए, उस 300 घंटे के बाद आप हाइपरलिज्म की ओर आएंगे। तो आपकी इस फील्ड में रुचि कैसे आई? कला के बारे में बात करूं, रंगोली में मेरा कैसा जिज्ञासा आया, ठीक है, तो रुचि तो आया और उसमें एक्सपेरिमेंट करना मजा आया मुझे। शुरू शुरू में तो फूल पत्ती बनाता था ना, तो और नया नया मतलब मुझे वो लगता गया इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है करने के लिए, है ना, नया करने के लिए स्कोप मुझे दिखा, है ना माइंड, क्योंकि बाकी सारे फील्ड में लोगों ने तो किया है, वो दिखता भी था मुझे, लेकिन ये रंगोली ऐसा फील लगा मुझे इसमें कि नए आयाम है, नए चीजें दिख सकते हैं। तो मैंने इसी में ही टाइम लगाया है, टाइम बिताया है, इसी में ही मैंने पूरा जीवन अर्पण किया है। मैंने देखी आपकी रंगोली और वो इतनी रियलिस्टिक होती है, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो एक रंगोली है या रियल फेस है वो किसी का। तो आपकी प्रोफेशन, पैशन से प्रोफेशन तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, शुरू में तो हॉबी होता है हर इंसान का, लेकिन सीखने का जब लगन बढ़ता है तो उसे मजा आने लगता है। और उसमें यदि कोई हमें प्रोत्साहन दे दे जुबान से और कुछ कैश, कुछ मनी दे दे कि हाँ तुमने अच्छा किया है, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने किसी इंसान से, किसी इंसान के साथ हमने काम किया, उन्होंने हमें पैसे दिए। तो ये पैशन से प्रोफेशन में कन्वर्ट दिखा मुझे कि हाँ भाई पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे ये मालूम चला कि मैं यदि ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो और अच्छा काम करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, लोगों को मजा आएगा, लोग मुझे और ज्यादा पैसे देंगे। बात ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि संकोची होते हैं कि इसमें मुझे पैसे कहाँ से मिलेगा, कैसे लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। मुझे अपने लाइफ से मैंने जो सीखा है, मैंने बहुत कम उम्र में ही इसी फील्ड में मैंने पैसे देखा। मोस्टली आर्टिस्ट ये सोचते हैं यार पैसे में क्या रखा है, पैसे में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी वो झूठ बोलते हैं जुबान से, वो अपने आप को दिलासा देते हैं झूठा, लेकिन बात ये है भाई पैसे की जरूरत तो आपको पड़ेगी, चाहे आप कलर्स लो, चाहे ब्रश लो, चाहे गिटार लो, कुछ भी लो, तो क्यों ना हम कला को ही इतने अच्छे से पूजा करें कि हमें इसी पूजा में, इसी सात्विक में, इसी आराधना में हम लीन हो जाएं और इसके बदले हमें कोई पैसे दे दें। तो पैशन तो प्रोफेशन हो ही गया, तो मजा, हम मजा ले लेते लेते पैसे कमा लेते हैं। उसके लिए हमें बहुत पसीने या धूप में काम करने की, या जो जिन चीजों में रुचि नहीं है और उससे पैसा कमाने से बेहतर है जिसमें रुचि है उसी में पैसा कमा ले,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिससे कि हम खुश रह सकें, हमारा परिवार, हमारा समाज या और जो युवा वर्ग है वो हमें देख सकें कि हाँ भाई, इस इंसान ने पैशन से प्रोफेशन किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, ये मुझे आपका स्ट्रेट जी फॉरवर्ड नेचर बहुत अच्छा लगा कि प्रोफेशन के लिए मनी तो आपको मस्ट है, कि मनी के बिना आप कुछ प्रोफेशन को बना ही नहीं सकते आगे अपने। तो जी छपाक आर्ट स्कूल आप चलाते हैं, मैंने पढ़ा उसके बारे में, हाँ, उस पर कुछ बताएं। देखिए, छपाक आर्ट शाला, जो आर्ट शाला है वो 2014 में स्टार्ट हुआ, आज से तकरीबन 6 साल पहले। जी और छपाक जो नाम है ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। कलर का जी गिरना या सेरेंडिपिटी भी कहते हैं इसे, जो अचानक हैपनिंग होता है, हैप्पीनिंग हैप्पी वर्ड के जी लिए है। तो मुझे लगा कि छपाक में एक ऐसा पावर हो, और होता भी है, कि जो जब गिरता है वो वहीं पे नहीं रहता, आसपास और स्प्रेड होता है। नॉलेज भी ऐसा ही होता है। हर चीजें, जो जो पॉजिटिव चीजें होते हैं, हमने देखा है कि यदि हम उसे स्प्रेड करें तो कितना ब्यूटीफुल माइंड क्रिएट होता है। तो इसलिए वो छपाक का एजुकेशन फॉर्म में आया, फिर आर्ट नॉलेज शेयर में आया, फिर टीम इकट्ठे करने में, जहां जहां पॉजिटिव चीजें आ सकते हैं वहां पर छपाक को हम लेके आ रहे हैं। तो छपाक आर्टशाला में अभी तकरीबन हमारे अकेडमी से 300+ स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं। और पिछले 12 साल 13 साल में मैंने 10,000+ स्टूडेंट्स को रंगोली का वर्कशॉप में पढ़ाया है। एक माइंडसेट होता है मॉम डैड का, मॉम डैड ना आपको कला ना करे, चित्रकारी ना करे, संगीत ना करे, ये नहीं कहते। उनके माइंड ये सेट होता है कि वो जिस तकलीफ में जिंदगी भर रहे हैं, जी पैसे की पंगा, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम हमसे हमारा एक ग्रेड ऊपर हमारे बच्चे हों, तो उन पेरेंट को लगता है कि डॉक्टर मुंह मांगा, हम उनको देते हैं पैसे, डॉक्टर जो कहते हैं। जी बात आती है, यदि आज की युवा अपने कला में, जी एक बड़ा अमाउंट सोच ले, वो सोचे कि मैं कलाकारी करके करोड़पति बनूंगा, तो मैं सच कहता हूं उसके घर के या उनके आसपास के लोग, पेरेंट्स समझ जाएंगे कि भाई, इनका जो बेटा है इसने कला में करोड़पति बन चुका है, तो मेरा बच्चा भी बनेगा करोड़पति कला में लेके, कलाकारी करके। तो बिल्कुल हर युवाओं को ये सोचना चाहिए, और मैं सच कहता हूँ यदि ऐसा हो जाए तो पेरेंट्स किसी बच्चे को कलाकारी करने मना नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को पता हो जाएगा कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी के लाइफ सिक्योर है, अच्छा जी पैसा कमा बिल्कुल लेगा, तो डॉक्टर इंजीनियर की बात ही नहीं करेंगे वो। जी सही कहा आपने तो कि मुझे इतना जरूर इनकम होता है कि मैं अपना घर, अपना मन, अपना शौक पूरा करता हूँ, और मैं और भी सारे मेहनत करना चाहता हूँ, और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है। कंटिन्यू। जी आप ये बहुत अच्छा काम करेंगे, अपनी कला और लोगों तक पहुंचाना, ये स्प्रेड करना लोगों तक और वो इस फील्ड में आगे बढ़े, बहुत जरूरी है ये चीज। अब हम चाहेंगे कि क्योंकि आप यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं छत्तीसगढ़ से, और काफी सारे इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स भी आपने अटेंड किए हुए हैं, तो मैं रंगोली से हटकर, आपकी फील्ड से हटकर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप जी जाते हैं सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, तो रिप्रेजेंट अलग स्टेट से अलग अलग लोग आते हैं, वो भी अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है क्या चेंज है, या अपने स्टेट से हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं उसको अच्छे से करने के लिए। बहुत आसान तरीका है कि मैं बहुत आसान तरीके से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाता हूं, क्योंकि मैंने अब तक के 15 से 20 20 अप्रोक्स नेशनल यूथ फेस्टिवल अटेंड किए हैं। मतलब देश के अलग अलग राज्यों से तकरीबन 20 ऐसे, 20 तो यूनिवर्सिटी लेवल के भी होते हैं, उसमें ही फिर भारत सरकार के द्वारा जो आयोजित होता है हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल, चाहे वो कर्नाटक का युवा हो, चाहे वो हरियाणा का युवा हो, चाहे मेघालय का हो, कहीं का भी युवा हो, वो उन सब में अपनी मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ प्रेमी जो है वो लोग, वो बहुत मुझे लगा कि उनमें बहुत घनत्व है। तो मैंने सीखा और
फिर मैंने ये सोचा कि जिस माँ ने मुझे पाली है तो उसे माँ कहने में क्या गर्व ही होना चाहिए, है ना, मेरी मिट्टी मेरी भाषा, तो माँ है तो माँ को माँ कहना है, बस इतना ही कहना है सारे युवाओं को। बहुत सही कहा आपने कि अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि के लिए आदर और सम्मान होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाए यूथ के लिए प्रमोट करें कि वो कहीं बाहर स्टेट में जाने के बजाय अपने स्टेट में, जैसे एंटरप्रेनर्स है वो बाहर जाके अपना कुछ काम करते हैं, तो वो रायपुर या फिर छत्तीसगढ़ में रह के अपना काम करे, तो क्या कर सकते हैं सरकार, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स की बात करूं चाहे गवर्नमेंट की बात करूं, मैं दोनों को मिक्स मर्ज करता हूं एक टॉपिक में, मजा आएगा। देखिए कोई भी गवर्नमेंट आता है तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए आता है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, चाहे योगी सरकार की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी और अभी कांग्रेस चल रही है, तो इन सबका भी एक अपना गोल होता है, गोल सेट होता है, क्योंकि उनको इस जो सीट होता है ना हॉट सीट, इसमें उनको बैठने का मन होता है और वो अपने हिसाब से राज्य का सेवा करना चाहते हैं। उनका सेवा का रूप अलग हो सकता है, कहीं ना कहीं वो लोग भी प्रेम करते हैं इसीलिए राजनीति में आते हैं, लेकिन 90% 95% ऐसे युवा हैं जो गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं और उनको हाहाकार मचाते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, सिर्फ ब्लेम करते रहता है। मैं उन युवाओं को कहता हूं कि भैया आप खुद बन जाओ गवर्नमेंट, आप में राजनीतिक शक्ति इतनी शानदार होनी चाहिए, आप राजनीति पढ़ो, राजनीति में जाओ, आप उन पे जॉब का ब्लेम मत लगाओ, आपको लगता है कि आप में एबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, तो आप सोचो कि इस राज्य में क्या कमी है, उस कमी को आप दूर करिए। तो सारे युवाओं को मैं कहूंगा कि आप सभी खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे फोकस करिए और कंटिन्यू अपने आप में इन्वेस्टमेंट करते जाइए और चीजें फिर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर चीजें सामने आते हैं। एक समय जरूर था जब मैं रंगोली करता था तो उस वक्त शौक से था, लेकिन ना जब मालूम चला कि भाई जरूरी है पैसे कहीं ना कहीं तरीके से, जरूरी तो है, मतलब भटका नहीं जा सकता, आप चाहे बात साधु की करो चाहे अरबपति की करो, अरबपति भी ध्यान करता है और साधु भी कुछ ना कुछ धन की सोचता है, धन कहीं नहीं है और मन कहीं नहीं है, सब इंसानों में है। करोड़पति भी ध्यान करता है, सिर्फ साधु ध्यान करता है ऐसी बात नहीं है, तो बस हमें बैलेंस लगाना है और किसी भी चीज से छूटना नहीं है, हमें पैसा नहीं कमाना है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कोई भी हुआ, आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पैसे पे भी ध्यान लगाइए और उसमें पैसे के पीछे ना भागे, अपने काम में इतने लीन हो जाए कि पैसा अपने आप आ जाए, ठीक है? तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो टॉपिक है युवाओं के लिए, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा था उसका ये एग्जैक्ट आंसर है। चीज बिल्कुल सही की कि अगर आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, अगर सिस्टम चेंज करना है तो सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, तभी आप चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि प्रमोद जी हमारी बात हो रही थी अभी कुछ समय पहले टूरिज्म को लेके कि एक ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को प्रमोट करने, तो मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे व्यूवर्स को एक अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझाएं। जब का युवा मैं दिखा था, मैं आप बताता हूँ कि हमारे यहाँ रायपुर की बात करो तो तेली बांधा धर लेना मना, मैन पार्ट की बात करन, चित्रकूट के बात करन, भोरमदेव के बात करन, राजिम के बात करन, तो यहाँ सबके सब ना हमारे मती में खुश रहे है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा वाटरफॉल चित्रकूट, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव, छत्तीसगढ़ का मरीन ड्राइव तेली बांधा, ये तुहार मन के मन में जो अभी बैठे है एला हेराओ, वो काबर हेरना है मैं बताता हूं। कोनो भी इंसान ला आप मन देखे हो कि हमेशा ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल अपन मन बनावो,
अब ओरिजिनल कैसे कि यदि मान लो कोनो बैठा कोनो मनखे बैठे है यूपी में और वो सोचा थे ओला जाना है शिमला, तब वो डुप्लीकेट शिमला छत्तीसगढ़ में आही दोनों ओरिजिनल में जाही। गुजरात में बैठे फैमिली वो सोचा थे कि हमन जाबो कहा कोनो ऐसे जगह मंदिर देवाला, तब खजुराहो जाही दोनों भोरम देव, तब ओरिजिनल खजुराहे जाइ मना एमपी वाला ना कि छत्तीसगढ़ में आही। तो भाई हमारा जब सब चीज कॉपी वर्जन हावे तो यहाँ कोनो आई नहीं और टूरिज्म आगू बढ़े नहीं, कबू कबू नहीं बढ़ सके। मेहमत कथा हूँ अरे तोर करा दू जना आदमी रही अमिताभ बच्चन डुप्लीकेट में अमिताभ बच्चन ते कहाँ जाबे का कर ले सिग्नेचर लेबे ओरिजिनल लेबे ना। तो कहे के मतलब ये है कि मैन पार्ट शुद्ध मैन पार्ट रहे एकदम है ना, भोरम देव एकदम एकदम निम्गा भोरम देव रहे हमर हमर चित्रकूट वाटरपुर हमरे रहे, राजिम देवाला हमर राजिम च रहे, तेली बांधा हमर तेली बांधा रहे। काबर की ये जब रही तब हमन ओरिजिनल रबो नहीं तो हमन डुप्लीकेट हो जब। तो कहे के मतलब हो रही है हर युवा में कथा और खासकर टूरिज्म विभाग वाले मन ये वीडियो देखा थे तेला बने बगरावो और आप मन जन जन तक ये विषय पहुंचाओ कि हमन हमच मन हन है ना, हमन हमच मन हन ये बात का ध्यान रखाओ है ना। तो ये रही से विषय कि बी ओरिजिनल हमला सचमा हमन जो हन हमन वही रहन है ना। तो जिज्ञासा ये मोर टॉक ऐसे लगे थे कि कंप्लीट है, हम कुछ बात बचे ही नहीं। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो का पार्ट बनने के लिए। और हम सबकी शुभकामनाएं है कि आप जो अपनी ये मुहिम चला रहे अपनी कला के थ्रू अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना और उसका नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर। मेरा और भी नए काम देखने के लिए आप आई टैट्यू सब्सक्राइब करें।